हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। और कल मैं आ गई वापस ससुराल। शादी में लगभग 15-20 दिन तक खूब इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा थकान आ गई। दो दो शादियाँ थी, भाइयों की भी थी और एक बहन की भी थी। तो अभी मतलब आते ही थोड़ा बीमार भी हो गई। आज मैं अभी दिखा के आऊँगी, डूंगरगढ़ जाऊँगी दिखाने के लिए। खूब मिठाई खाई, बीमार मतलब थोड़ी थोड़ी बीमार हो गई थी। और मिठाई भी देसी घी की खाते हैं, जो घर पे देसी घी होता है ना उसकी, मार्केट वाली मिठाई हम भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि आपके यहाँ दो बहनों की ऐसी शादी कैसे हो सकती है, हमारे यहाँ पे हो जाती है, दो की भी हो जाती है, तीन की भी हो जाती है चार की भी हो जाती और है। चार की भी हो जाती है। मतलब एक साथ शादी करते हैं तो खर्चा कम लगता है। खर्चा कम लगता है। अरेंज मैरिज होती है, अब अरेंज होती है, जो घर वाले फिक्स करते हैं रिश्ता, तो दो के साथ में हो जाती है। बाकी सब जगह नहीं होता ऐसे कि भी एक साइड से दो भाई सगे और दूसरी साइड से दो सगी बहनें। अरेंज मैरिज होती है इधर, तो एक ही परिवार में ऐसे आराम से हो जाता है। एक ही दिन में एक दो बहन है इस साइड में, एक दो भाई है, उनकी भी शादी हो जाती है एक दिन में या दूसरे दिन कर देते हैं ऐसे। सेम दिन नहीं तो दूसरे दिन कर देते हैं, तो ऐसे हो जाती है, हमेशा से ही होती है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ये। क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब जो आते हैं तो उनको दो दो बार नहीं आना पड़ता, एक बार में ही शादी हो जाती है। मतलब पहले दिन जैसे भाइयों की हो गई, दूसरे दिन बहन की हो गई। कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे थे कि भाई आपके अट्टा सट्टा है क्या? अट्टा सट्टा नहीं है, मतलब अलग अलग जगह ही है, भाइयों की और हाँ बहन की भी। है, नहीं पर आजकल आजकल राजस्थान में भी होता होता है। होता है अट्टा सट्टा, मजबूरी है खाना पीना करके अपने गांव में, और गोलियां खाएगी यहाँ आके। अब खांसी है थोड़ी सी और कुछ नहीं, जा रहा और ना जो खा रही है ना, ये गाजर मैंने अभी यहीं से निकाल के दिए, बस ऐसी ही है, ज़्यादा पतली पतली लगी है, मोटी नहीं लग रही, बस ऐसी गाजर लगी है, पतली पतली है गाजर, ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। संजय नाम है साहब। टोल के ऊपर रुटी आप? हाँ, टोल पर रुटी। आपके वीडियो शुभ जर्नी के सारे वो देखते हैं। अच्छा, और कैसे? और बढ़िया साहब, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं सर। अच्छा, आपके पापा जी को भी जानते हैं, एक दिन गए थे सुरेंद्र जी। अच्छा, उनसे भी मिले थे। अच्छा हाँ, चलो जी। और परिवार मौज? और सब सब कुशल मंगल। अच्छा ठीक। ये हम लोग जा रहे हैं तो रास्ते में टोल है, टोल के ऊपर इनकी रुटी, एक बार पहले भी मिले थे, बता रहे हैं कि झुंझुनू के हैं। ऐसे आप मिल के बात करते हो ना तब हमें बहुत अच्छा लगता है भाई। डूंगरगढ़ पढ़ना ही है हमारी साइड में, बिठा हुआ तो मैंने सुना था कि ये हमारी गया और सब जन रात में तो पड़ो था कि अच्छा। हां घर न बैठी रहे तो वो तो डूंगरगढ़ देख। हां अरे बाजार कर ले बैठा रहे और निकलो नहीं मैं। देखो भाई, इसको दिखाने के लिए लेके आया मिठाई, ज्यादा खा ली तो हॉस्पिटल जाके आ रही है अभी। और किसे काम होते? आप डेलवा हो? साला सर हूँ। ये हॉस्पिटल जाके आ गई शिवन्या के, हमारे कब से सो रही है, खूब सारे लोग आ गए थे गाड़ी के चारों और इकट्ठे हो गए कि भाई हम लोग आपका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे मिलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद आप सभी को। अब जो मैं थोड़ी सी ऐसे कटिंग वटिंग करवा लेता हूँ और गर्मियों के हिसाब से अच्छी सी यात्रा प्लान करते हैं ना। अभी दिखा के डूंगरगढ़ से वापस घर पे आ गए। ए कौन जानतो? अच्छा परमानेंट है, इनके घर पे एक डॉक्टर बुलाया हुआ था, परमानेंट है। तो गांव में भी सुबह शाम रोज डॉक्टर आता था, सबके इंजेक्शन लगा के जाता था, सब बीमार हो गए थे। बहुत मीठे मीठे बैर है, सुबह लेके आए थे मम्मी, लेकिन अभी जुकाम है तो नहीं खाऊंगी, जुकाम ठीक होने के बाद खाऊंगी। गांव में शादी थी तो खूब सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे धोने के लिए, वहां पे धोए नहीं थे क्योंकि शादी में इतना टाइम नहीं था,
पहने और वापिस रखे, पहने वापिस रखे तो खूब सारे हो गए इकट्ठे। कल ये सारे कपड़े धो के वापिस सेट करके रखूंगी, उसके बाद में 2 दिन बाद घूमने के लिए बाहर जाएंगे तो उसकी पैकिंग करनी है। मेरा सिया और शून्या सब के कपड़े ये धो के वापिस सेट करके रखूंगी, और सिया के पापा के भी 2-2 शादियों में गए थे तो सब उनको ड्राई क्लीन करवा के और फिर रखना है। खिचड़ी और सब्जी दोनों बना ली, अभी रोटियां बना रहे हैं। ज्यादा तो वोट हम खिचड़ी खाने वाली है, सिर्फ 2 लोगों के रोटी बना रहे हैं। देखो मेरे फोन ना दिखाओ और मेरे रोटियां ज्यादा गोल गोल। खाने तो तोड़ की है, अभी हमारे जो बाकी सियाई है वो बहुत फास्ट रोटियां बनाते हैं चूल्हे पे, आगे आगे ऐसे खीरों में सेक सेक के। खिचड़ी बनाने के लिए क्या थोड़ी सी घी बनानी है, गिनती सी गैस पर सीधी आंच में और फिर ये सीख लीजिए। ओके इतना तो चलो कौन है ये से। इन सबको यकीन नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ बूंदी में गरम करके खाऊंगा, गरम करके ही खाऊंगा, एकदम आलू की तरह होती है। स्पेशल प्राणी और भी कोई खासी तो ज्यादा खाने तो के रीजन है, मतलब बूंदिया गरम करके खाने को स्वादिष्ट, गरम गरम एकदम हो गया ठीक है। देखो छाया कौन जिंदगी अभी चेक करो, बाद में ठीक हो गया सारे गिर गए। आज लोग एक नई चीज देख सी, नई चीज सीख सी। मैं तो कई बार खाऊं, बहुत बार ही खाता हूं, पर दिखाया कोई नहीं कभी। हां दिखाया कोई, मुझे क्या पता, मैंने सोचा तो नॉर्मल है, मन लागियो कुछ यूनिक चीज है दिखानी चाहिए। हां अब सो पहले थी टेस्ट करके बता दे, ए सिरे की जे ही छोड़ दियो। हां मैं सोचू तो घणी बार बड़ा भाई के दिखाड़ तो दिया तो ना, क्या लागे ये गरम गरम बने दे स्वाद है, और ज्यादा ए और ज्यादा स्वाद है, अब और ज्यादा हो गया। गरम गरम बूंदी क्या आपने आज से पहले खाई है, कमेंट करके बता देना भाई, नहीं खाई है तो खा लेना, बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब मेरे क्यों जीवाणु तो खांसी आवे, इमे गली जाए नहीं, इमे ऊपर ले गली जाए बोली कोनी बोल ज्यादा है, 2 दिन दिए कयो। देखो शादी में ज्यादा मिठाई खाने का नतीजा है, कोई नहीं तो लगा लेते, थोड़ा दूर रख ले सीने के लिए, पड़ियो तो है मोटोड़ो, पड़ियो है पड़ियो तो पड़ियो है। सिर्फ मिठाई पर जोर रखा है, दवाई नहीं, दवाई के साथ में ले आऊंगी दवाई का बाद में दिए रखा, उस टाइम दवाई बाद में ले आऊंगी, सिर्फ पैरासिटामोल ले लेके ले और ऐसे बैठी रही, अब लेके आई आज इतना। दो दिन तीन तीन लगभग ये लेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। खांसी है जबरदस्त, क्योंकि मीठा खाने के बाद में जब पीते हैं ना ऊपर से पानी, तो वैसे होता ही है शादियों में, सीजन भी ऐसे चल रहा है। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो के अंदर, चैनल इसको शुभ जर्नी को आप सब्सक्राइब क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय सियाराम, बाय बाय।